जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रणब मुखर्जी को सम्मानित कर रहे थे, उस वक्त समारोह में बीजेपी समेत कई दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समारोह से नदारद थे। प्रणब मुखर्जी अपनी पुस्तक द कोलिशन ईयर्स में लिखते हैं कि 12 नवंबर 2004 को जब पूरा देश दीपावली का उत्सव मना रहा था, उस दौरान कांची के शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात से मैं बहुत गुस्से में था। कैबिनेट मीटिंग के दौरान मैंने कहा कि क्या भारत राज्य की धर्मनिरपेक्षता केवल हिंदू साधु संतों पर ही लागू होती है? क्या सरकार में हिम्मत है कि वह ईद के दौरान किसी मौलाना को गिरफ्तार कर ले? उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विशेष सलाहकार एमके नारायण भी मेरी बात से सहमत थे। मैंने तुरंत शंकराचार्य को रिहा करने का आदेश पारित करने का निर्देश दिया। तमाम विरोध, तमाम आलोचनाओं के बीच आखिरकार प्रणब दा ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मंच पर भाषण दे ही दिया। प्रणब ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच भी साझा किया। प्रणब ने आरएसएस के कार्यक्रम में कल रात कहा कि वो राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर बोलने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए समर्पण ही देशभक्ति है। मुखर्जी ने कहा कि भारत खुला हुआ देश रहा है, भारत के दरवाजे पहले से खुले हुए हैं। प्रणब कल आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जन्मस्थली भी गए और उन्हें महान सपूत बताया।